जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको पीला हकीक के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम पीले हकीक के बारे में बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं हकीक के बारे में कि आखिर हकीक होता क्या है। तो देखिए, हकीक एक अल्प मोती पत्थर होता है। साधारणतः इसे उपरत्न की श्रेणी में लिया जाता है, यानी कि रत्नों की जगह पर आप इसे धारण कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी कि अपारदर्शक होता है, जो कि कई सारे रंगों में पाया जाता है। प्राचीन काल से ही हकीक को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपरत्न माना गया है। आजकल प्राकृतिक रत्न बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो कि लगभग मध्यम वर्गीय लोगों की पहुंच से बाहर हैं। तो ऐसे लोग जो महंगे रत्न नहीं खरीद सकते हैं, वो अपने ग्रहों के अनुसार या फिर किसी भी रंग के हकीक को धारण कर सकते हैं। हकीक को चांदी में धारण किया जाता है, तो चांदी में धारण किया जाने वाला ये रत्न काफ़ी सामान्य कीमत का होता है, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। अगर हम हकीक के इतिहास की बात करें, तो गीर दार्शनिकों के द्वारा इस रत्न को 300 ईसा पूर्व खोज लिया गया था। हकीक को आप सभी मुख्य रत्नों के विकल्प के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हकीक को आप माला के रूप में या अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं। किसी भी अच्छे ज्योतिष की सलाह के अनुसार, उसके बताए गए रंग के अनुसार कोई भी व्यक्ति हकीक को धारण कर सकता है। वैसे हकीक कई रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हकीक 6 रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि काला हकीक, सफ़ेद, पीला, लाल, हरा और नीला हकीक। इसके अलावा और भी कई रंग में हकीक पाए जाते हैं, मिक्स रंगों में भी पाए जाते हैं, तो सभी का महत्व अलग अलग है। जिस हकीक में सफ़ेद रंग की पट्टियाँ पाई जाती है, उसे सबसे अच्छा हकीक माना जाता है। काला हकीक मानसिक संतुलन और तनाव के लिए पहना जाता है। सफ़ेद हकीक को आध्यात्मिक शांति के लिए पहना जा सकता है, वैराग्य के लिए पहना जा सकता है। पीला हकीक निर्मिकता के लिए, धन और सुख समृद्धि के लिए पहना जा सकता है। नीला हकीक अच्छी नींद और बुरे सपनों से बचने के लिए पहना जा सकता है। तो अलग अलग रंगों के हकीक के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। हकीक या हकीक से बनी माला को ज्योतिष के लिहाज से बेहद ही शुभ फलदायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हकीक की माला से जप करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हकीक की माला फेरने के साथ यदि हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया जाए, तो ये अति शुभ फलदायक होता है। जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, हकीक के प्रभाव से स्वयं की रक्षा के साथ साथ उन कष्टों का निवारण भी किया जा सकता है। हकीक को धारण करने से 3 ग्रह शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर किए जा सकते हैं। इसके अलावा हकीक को पहनने से बुरी नज़र के प्रभाव से बचाव होता है, व्यापार में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं पीला हकीक क्या है। तो पीला हकीक, पीला रंग बृहस्पति देव का रंग है। हमारे वैवाहिक जीवन के सुख दुख का निर्धारण बृहस्पति देव के द्वारा तय किया जाता है। तो बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए पीले हकीक की अंगूठी को धारण किया जाता है। पीला हकीक गुरु यानी बृहस्पति के दोषों को दूर करने के लिए भी पहना जाता है। पीले हकीक की अंगूठी के लाभ के बारे में बात करें, तो पीले हकीक की अंगूठी से वैवाहिक जीवन में आप सुख समृद्धि पाते हैं, वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। पीले हकीक की अंगूठी जब आप धारण करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने का आपको साहस मिलता है। पीला हकीक धारण करने से बृहस्पति भगवान की कृपा मिलने लगती है। पीले हकीक की अंगूठी धारण करने से आपको नींद से संबंधित परेशानियां दूर हो सकती है। जी हाँ, जिन लोगों को ऐन इंद्रा की परेशानी है, जिनको सोने से पहले नींद की गोली खानी पड़ती है, वो एक बार पीला हकीक जरूर धारण करके देखें। आप चाहें तो इससे रात के समय अपने तकिए के नीचे, यानी कि पीले हकीक को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। ऐसा करने से आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। पीले हकीक की अंगूठी धारण करने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ भी दूर होने लगती है, जैसे कि हृदय की क्षमता में ये वृद्धि करता है, दिल की धड़कनों को संतुलित करता है, गले से संबंधित परेशानियों को, बीमारियों को ये दूर करने में सहायता करता है। तो पीला हकीक या पीले हकीक की अंगूठी धारण करने से आपकी कुंडली में गुरु दोष, बृहस्पति के दोष समाप्त होने लगते हैं और शुभ फल प्राप्त होने लग जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे धारण करना है। तो पीले हकीक को धारण करने से पहले आपको इसे अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप पीले हकीक को धारण कर सकते हैं। चूंकि ये
बृहस्पति देव से संबंधित रत्न है, इसलिए इसे गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। और ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ में कम से कम 108 जाप के बाद में इसे एक्टिवेट करने के बाद में आपको इसे धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन इसे अभिमंत्रित करके अगरबत्ती दिखा के, धूप अगरबत्ती दिखा के, दूध में थोड़ी देर रख के शुद्ध करके और फिर अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर आपको इसे धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन इसे धारण करने से ये पूरी तरह से काम करता है और आपको पूरा फायदा पहुंचाता है। अब समस्या यह है कि पीला हकीक आप कहां से प्राप्त करें। तो आपके स्थानीय बाज़ार में जो लोग राशि रत्नों का व्यापार करते हैं, आप उन दुकानों पर ट्राई कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सस्ता ही होता है, और यदि आप अपने बाज़ार में इसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप इसे ऑनलाइन बाज़ार से भी आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे सेलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि अच्छे हकीक रत्न आपको घर बैठे ही उपलब्ध करा रहे हैं। तो यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ देंगे, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदने से पहले आपको रिव्यूज़ ज़रूर से देखने चाहिए कि जिन लोगों ने पहले उन हकीक्स को ख़रीदा है वो क्या कहते हैं, कि क्या उन्हें अच्छा हकीक प्राप्त हुआ है। तो लोगों के रिव्यूज़ ज़रूर देखें आप ख़रीदने से पहले कि सेलर ने किस प्रकार का रत्न उन्हें भेजा है, जिससे कि आपको बाद में ऐसा महसूस ना हो कि हम तो कहीं ऑनलाइन ख़रीदारी करके ठगे जा चुके हैं। वैसे ऑनलाइन बाज़ार में अब विश्वास किया जा सकता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को एक बार चेक कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं। तो ये थी पीले हकीक और हकीक के बारे में जानकारी, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी है, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।